जिसके मुस्कुराने से मुस्कुराते हैं फैंस, जिसके दुखी होने से इमोशनल होते हैं दर्शक। सच के लिए लड़ने वाली, लोगों को सीख देने वाली, ये है पुष्पा इम्पॉसिबल यानी कि करुणा पांडे, जिनसे मिलने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके सेट पर, जहां आज ये करुणा से बनेंगी पुष्पा, कराएंगी अपने सेट की सैर और बताएंगी पुष्पा और करुणा का कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे करुणा पांडे बनती है पुष्पा। अभी मैं करुणा से पुष्पा बनने जा रही हूँ। वैसे करुणा अपना मेकअप करना खुद पसंद करती है और वो खुद ही अपने हाथों से पुष्पा को सजाती संवारती है। पुष्पा के मेकअप में खास है उनकी आंखें, जो बहुत ही गहरी हैं, और साथ ही खास है उनके टैटूज, जो पुष्पा के लुक को निखारते हैं। जैसा आपने देखा, मेरा मेकअप हो गया है, आई एम रेडी विद माय मेकअप। मेरे बाल भी बन गए हैं, छोटी पुष्पा की, वो मेरे मेकअप के साथ ही बन जाती है। अभी मैं चेंज करूंगी, साड़ी पहनूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। लीजिए, करुणा का मेकअप हुआ पूरा और वो पुष्पा के अवतार में ढल गई हैं। आइए करुणा से ही जानते हैं पुष्पा के किरदार के बारे में। अभी तो साल भर हो गया है, तो वो अंदर दौड़ने लगा है अभी। मतलब ऑफकोर्स एक गेटअप से बहुत फ़र्क पड़ता है एक आर्टिस्ट को, क्योंकि आप घर से आते हैं फिर यहाँ आते हैं, तो वहाँ का सब आपको कट ऑफ करके यहाँ का सब लेना पड़ता है। जो अटायर होता है उससे काफ़ी अंतर तो आ ही जाता है। मतलब अंदर से लगने लगता है कि हाँ, अब मैं 12 घंटे के लिए यहाँ पर आ गई हूँ और मैं पुष्पा का किरदार निभा रही हूँ, निभाऊंगी। लेकिन वो साल भर हो चुका है, तो हम लोगों के अंदर वैसे भी है, जब घर भी जाते हैं तो भी वो चीज़ पूरी तरह से आपके अंदर से निकलती नहीं है। वो आपके साथ रहती है, जब तक शो रहता है वो चीज़ आपके अंदर रहती है कि हाँ वो पात्र, क्योंकि वरना इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म। सिमिलैरिटीज़ तो बहुत हैं, क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर सुना था या देखा था, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तभी मुझे लग गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें अपनी ऐड कर सकती हूँ। जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी एक मतलब कैसा बच्चे जैसा, इसे पहले रो दिया, इम्पल्सिव है, फिर हंस दिया, फिर गुस्सा हो गई, फिर मान गई, तो वो सब है। मतलब यू नो आई एम लाइक दैट ओनली। तो वैसा सब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कनेक्ट करती हूँ पुष्पा की करुणा से, और मैंने कोशिश यही की है कि जो पुष्पा के नियर बाय चीज़ें हैं, जो ट्रेड्स हैं जो मुझ में हैं, वो मैं उनको यूज़ करूं। और जो सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, वो सिर्फ इतनी सी हैं कि पुष्पा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पाटन से थी। पहली बात तो इस कल्चरल जो इसका बैकग्राउंड है, उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं गुजरात से नहीं हूँ। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैंने अपने को उसमें, मुझे थोड़ी एफर्ट लेना पड़ा उसके लिए। एक टोन चाहिए थी जो बहुत ही स्लाइट चाहिए थी, जो ज़्यादा भी ना हो जाए और बिल्कुल कम भी ना हो, ऐसे कुछ बीच का हमें बैलेंस स्ट्राइक करना था, संतुलन बनाना था। तो वो एक हमने हल्की सी टोन रखी, वो जो मुझे, जिसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। और तीसरी चीज़ यही है कि वही जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी व्यक्ति हूँ और पुष्पा पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो इस उम्र में आके पढ़ना चाहती थी, तो ये सब डिफरेंसेस थे। लेकिन अगर आप कहेंगे उसकी आत्मा, तो मैं उससे करुणा से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ। पुष्पा से बहुत खुश है वो, और क्योंकि उसने जो सफ़र शुरू किया था, सबसे लड़कर, स्ट्रगल करके और बहुत लोगों से,
मतलब कई लोगों की उसमें कहते हैं ना पसीना है, तपस्या है, नानावटी सर हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, सरन सर हैं, मेरे काकू हैं, सारे लोग हैं, तो सबका बहुत हाथ है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसने ये पढ़ाव पास किया। और इजी नहीं था, वो पाटन से गुजराती मीडियम से पढ़कर आई थी, अंग्रेज़ी माध्यम में 10वीं पास करना और वो भी मुंबई में, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो उसने किया और बहुत खुश है। बस क्या है, चारों तरफ बहुत चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल रही हैं, दिलीप भी है और परेशानी भी क्रिएट कर रहा है। तो वो जैसे अगर वो बिल्कुल फ्री होती ना मेंटली तो बहुत खुश हो पाती। तो अभी खुश तो है लेकिन उसको इतना जी नहीं पा रही उस खुशी को। सो आई रियली होप कि वो आगे जाके इतना उसे सुकून मिले पुष्पा को कि वो इन चीज़ों को जी सके अच्छे से। ये तो चप्पल मेरी परमानेंट है यही रहती है सिंपल सी, क्योंकि वो बहुत ही सादी सी महिला है। और आज ये थोड़ी सी भड़कीली साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि दीप्ति का जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, वो अलग बात है। बाकी फिर ये चूड़ियाँ ये ऐसी रहती है, हमने प्लास्टिक की चूड़ी से रखी है क्योंकि साउंड में प्रॉब्लम आती है, वरना कांच की चूड़ी से तो डबिंग आ जाती है। तो हमने फिर कांच की चूड़ी हटाकर प्लास्टिक की कर दी, शायद आपको पता नहीं चलती होंगी। और ये जो मेरे गले का है और ये है, ये मेरा परमानेंट है, मतलब साल भर हो गया, ये नहीं बदलता है। वो तब बदलती है जब किसी फंक्शन में जाती है, वरना वो आमतौर पर यही पहनती है, यही बिंदी लगाती है, चोटी करती है। और ये जो है वो उसके टैटूज़ के, वो जो हमने उसको दर्शाया ऐसा कि वो उसके बचपन से ही, वो छोटी थी जब ही उसका टैटू बना दिया गया था पाटन में। और गुजराती महिलाओं की जो पाटन से आती हैं वो टैटू करती ही हैं। पहली बात तो धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे दर्शकों को, एक ही साल में उन्होंने इतना प्यार दे दिया है, मतलब मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ। रस्ते में जाती हूँ तो मैं कहीं जा रही थी तो एक महिला आई, बहुत ही दौड़ती हुई और ऐसे रोने लगी और गले लग गई और मुझे कहने लगी कि, मतलब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, वो हम डिज़र्व नहीं करते लेकिन वो उनके भाव हैं, कहने लगी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ईश्वर से मिल गई। तो उनको वो जो वाच है जो डायलॉग राइटर्स लिखते हैं और पुष्पा के मुँह से निकलता है, वो उनको इतना अंदर तक उनको वो छू के जाता है, ये मैंने सोचा नहीं था। और सोशल मीडिया पर भी, रस्ते में भी, जिस प्रकार के लोग टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना कह दिया कि हाँ अच्छा है, ऐसा नहीं, वो इतने बड़े बड़े लेख लिखते हैं, तो उससे आपको और लगता है कि अरे बाप रे, आप पे कितनी जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे दर्शकों का और ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पुष्पा के किरदार से जो भी मुझे मिला है, जो भी आप लोगों ने मुझे दिया है, तो वो मैं अपने साथ हमेशा रखूँगी। और उसकी जो अच्छाई है एज अ ह्यूमन बीइंग या जो उसके जो भाव हैं, वो मैं जीने की पूरा प्रयास करूँगी। और शो में भी हम ये प्रयास करेंगे कि जितनी सच्चाई से हमने शुरुआत की थी, उसी सच्चाई से हम हमेशा हर दिन आपसे जुड़ सकें और उतना ही अच्छा कॉन्टेंट आपके सामने ला सकें। ये मेरी दुआ, मतलब मैं प्रे भी करती हूँ और मैं ये आपके सामने बोलती भी हूँ कि हम बहुत अच्छा शो बनाएंगे और आपको वही चीज़ दिखाते रहेंगे जिसकी आपको उम्मीद है हमसे। अब करते हैं करुणा के मेकअप रूम की सैर। जैसी करुणा सिंपल और सोबर है, वैसे ही उनका मेकअप रूम भी सिंपल है, जिसे उन्होंने अपने पति की पेंटिंग से सजाया है। ये मेरा मेकअप रूम है जहाँ पर मैं रोज रहती हूँ, 12 घंटे ही रहते हैं हम लोग, हमारे घर जैसा है। ये ड्रॉवर मैंने अभी बनवाया है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी सामान रखने की, और ये सब मेकअप का सामान है। दो जगह है बैठने की, तो यहाँ हेयर दीदी अपना सामान रखती हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और बाकी यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ जब भी समय मिलता है, वैसे तो कम मिलता है। और ये मेरे हस्बैंड ने पेंटिंग्स बनाई हैं, ये हैं वो पीछे है फूल वाली, वो अगर आप देखें, वो बनाते रहते हैं पेंटिंग और मैं ले आती हूँ यहाँ पर, जो उनकी मतलब वैसी वाली हैं जो वो डिस्कार्ड कर देते हैं जिसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है, हालाँकि इज़ अ वेरी गुड पेंटर। एंड ये भी मेरे हस्बैंड ने बनाई है, ऋत्विज वैद्य। और ये मेरी बाबी है, 13 साल कम्प्लीट हो गए हैं, 14वां लग गया है, तो बच्ची की जो आप ये बाल देख रहे हैं सफ़ेद हो गए, तो अभी वक्त के साथ हो गए हैं, वैसे तो वो बहुत मतलब पहले तो पूरे बाल काले थे। तो भाभी है, वो मुझे एहसास दिलाती रहती है कि हाँ वो है यहीं पर। तो घर पे है, मतलब मैं रात को मिलती हूँ जाके, तो थोड़ा वो तो जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इन्हीं से, अपनों से भी। करुणा पांडे को अपने पेट से बहुत लगाव है, इसलिए जब भी वो उसके बारे में बात करती है तो वो हो जाती है इमोशनल। इसी के साथ शुरू हो गई इनके सीरियल की शूटिंग, जिसके लिए करुणा अपने मेकअप रूम से पहुंच गई हैं सेट पर सीन को शूट करने के लिए। इन्हें हम यहीं शूटिंग के लिए छोड़ जाते हैं और कहते हैं इनसे अलविदा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।